बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपको कल का लेक्चर समझ आ गया होगा। कल हमने टेबल और रिलेशन के बारे में पढ़ा था और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें हमने देखा कि इसमें कोई डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए। द ऑर्डर ऑफ रो इज़ ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट, द ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट, एंड द एट्रीब्यूट्स और द कॉलम्स शुड बी अटोमिक इन आर टेबल। ओके, आज हम देखेंगे की, वट इज़ आ की, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ कीज इन यूज इन डेटाबेस। स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में की तो चाबी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब चाबी नहीं है, ठीक है। डेटाबेस में हम किसी ऐसे एट्रीब्यूट को हम की कहते हैं जो कि किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब क्या है इसका? फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आपका स्टूडेंट, आप स्टूडेंट्स हैं और आपका नाम, रोल नंबर, फादर नेम और ये सारा डाटा हमारे पास सेव है एक रजिस्टर में। अगर हमने किसी स्टूडेंट को फाइंड करना हो कि फर्स्ट ईयर क्लास का समरा स्टूडेंट कौन है, ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें समरा और फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर में एक से ज़्यादा समरा भी हो सकती हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सी समरा को बुलाया जा रहा है? फादर नेम से, फादर नेम भी सेम हो सकता है, हो सकता है दो समरा हो जिनका फादर नेम सेम हो, तो फिर क्या किया जाएगा, कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन सी बच्ची है? रोल नंबर से, क्योंकि रोल नंबर जो है वो डिफरेंट होगा हर एक का। तो हम कह सकते हैं कि रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक रो को। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि हमें यूनिक बनाता है, मतलब डिफरेंट करता है कि हाँ ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह आप देखें, आम डेली लाइफ में अगर हमने किसी को आइडेंटिफाई करना है, किसी बंदे को, पाकिस्तान में समरा नाम की बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, या फयाज, अगर हमने कोई फयाज फाइंड, मोहम्मद फयाज फाइंड करना चाहते हैं, मोहम्मद फयाज पूरे पाकिस्तान में काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वो वाला फयाज है? उसके आईडी कार्ड नंबर से। तो हम कह सकते हैं कि आईडी कार्ड एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपका रिकॉर्ड, ठीक है। तो हम आईडी कार्ड को की एट्रीब्यूट कहेंगे। अब आपको की समझ आ गई? एट्रीब्यूट मैंने बताया था ना, प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉलम को या फील्ड को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे स्टूडेंट का अगर नेम, रोल नंबर, फादर नेम, आईडी कार्ड नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो इन सब में कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है? वो है रोल नंबर। इसी तरह दूसरी लाइफ में अगर हम देखें तो वो आईडी कार्ड नंबर है। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसको की एट्रीब्यूट कहते हैं। चले आए देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा है। अ की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशन। टपल रो को कहते हैं। अब आपको समझ आ गई इस लाइन की कि एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। द कीज आर डिफाइंड इन रिलेशन टू एक्सेस द स्टोर डेटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। जो डेटा स्टोर किया गया है उसको क्विकली और एफिशिएंटली फाइंड करने के लिए तेज़ी से हमें पता चल जाएगा। रोल नंबर पर जाएंगे फ़ौरन ही हमें पता, वरना समरा कितनी समरा ढूंढते रहेंगे हम। दे आर ऑल्सो यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशंस। रिलेशंस के दरमियान में, डिफरेंट टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप कायम करने के लिए भी की यूज़ की जाएगी और यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कीज। There are different type of keys. Number one is the primary key. Primary key, an attribute or set of attributes that uniquely identifies a row or record in a relation is known as primary key. Students, अभी हम जो बात कर रहे थे रोल नंबर की और रजिस्ट्रेशन नंबर की या फिर हम आई डी कार्ड नंबर की, ये सारे primary key attribute हैं। Some most important points about the primary key are, a relation can have only one primary key. ठीक है, एक रिलेशन के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होगी जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होगी। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। और प्राइमरी की एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि दो रोल नंबर सेम हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम रोल नंबर को कह रहे हैं कि ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट है और यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो इसमें एक ही कॉलम आना चाहिए, मतलब एक ही वैल्यू आनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं हो सकती, यूनिक नंबर होना चाहिए इसमें। दो रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, दो आईडी कार्ड नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक
ठीक है, ये इसकी एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की के अंदर हर रिलेशन के अंदर एक प्राइमरी की लाजमी होगी, प्राइमरी की एट्रीब्यूट यूनिक होगा और प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, क्योंकि इसकी बेस पे हमने आइडेंटिफाई करना है, तो ये नल नहीं हो सकता। अब जैसे अगर हम पांच छह स्टूडेंट्स को कहें आपका रोल नंबर जीरो है, आपका कोई रोल नंबर नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अगर रोल नंबर नहीं होगा तो हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आगे उसने यही एग्जाम्पल दी हुई है स्टूडेंट की कि उसका नेम, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, इसमें रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है। ठीक है, नेक्स्ट देखें कंपोजिट की और कॉन्कैटिनेट की। अब प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट की। अच्छा, अगर दो एट्रीब्यूट की बेस पे हम करें, प्राइमरी की के साथ किसी और को भी कॉलम को मिला लें, किसी और एट्रीब्यूट को भी मिला लें, तो ऐसी की को हम कंपोजिट की कहेंगे, जो कि दो एट्रीब्यूट, दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट पे कंसिस्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें रोल नंबर और क्या नेम, या रोल नंबर और क्लास को कर लें कि फर्स्ट ईयर और उनके ये रोल नंबर्स हैं, तो इस तरह से दो कीज हो गई जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे जी फर्स्ट ईयर क्लास की समरा को बुला के लें, ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट ईयर क्लास और साथ में रोल नंबर 101 और क्लास फर्स्ट ईयर, तो दो की बेस पे अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में इसने बताया रिलेशन यूजेस टू एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में किस रोल नंबर के कितने मार्क्स हैं। अब देखें, अब इसमें रोल नंबर डुप्लीकेट हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट जो है वो डुप्लीकेट नहीं होगा, ये कंपोजिट की है। अगर खाली रोल नंबर होता प्राइमरी की तो फिर रोल नंबर में ये डबल टाइम देखें तीन दफा वन आया हुआ, ये नहीं आ सकता था, कंपोजिट की में ऐसे हो सकता है। कैंडिडेट की, रिलेशन में कंटेन मैनी एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज एज अ प्राइमरी की, द एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज एज प्राइमरी की इज नोन एज कैंडिडेट की। स्टूडेंट्स, कैंडिडेट हम उम्मीदवार को कहते हैं, ठीक है, तो एक रिलेशन के अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो प्राइमरी की बनने के उम्मीदवार हैं, यानी कि वो उनकी बेस पे हम उनको कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखें, एक टेबल हमने बनाया जिसके अंदर स्टूडेंट का बे फॉर्म नंबर है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका नाम है, सब्जेक्ट्स हैं, फादर नेम है। अब देखें इसके अंदर रजिस्ट्रेशन की बेस पे भी हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रोल नंबर की बेस पे भी कर सकते हैं और बे फॉर्म नंबर की बेस पे भी कर सकते हैं। ये तीनों कॉलम्स हर एक के डिफरेंट होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर भी डिफरेंट होगा हर एक का, जो दूसरा है क्या आईडी कार्ड नंबर, बे फॉर्म नंबर भी डिफरेंट होगा और रोल नंबर भी डिफरेंट होगा। अब ये तीनों कीज़ में से हम जिसको मर्जी बना सकते हैं प्राइमरी की। अब ये जो तीनों कीज़ हैं इन तीनों को हम कैंडिडेट की कहेंगे, यानी ये तीनों प्राइमरी की बनने के अहल हैं, उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं। समझ आएगी कैंडिडेट की, वो तमाम एट्रीब्यूट्स जो कि प्राइमरी की के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं उनको हम कैंडिडेट की कहेंगे। स्टूडेंट्स, अब इन कैंडिडेट कीज में से जैसे रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर और बे फॉर्म की एग्जांपल दी मैंने आपको, इन तीनों में से हम एक को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, हर रिलेशन में एक ही प्राइमरी की होगी, तो इन तीनों में से हम एक को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स जिसको हम सिलेक्ट कर लेंगे वो प्राइमरी की होगी और जो रिमेनिंग कैंडिडेट कीज थी उनको हम अल्टरनेट की कहेंगे। ठीक है, द कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की आर नोन एज अल्टरनेट की, जो कि प्राइमरी की के तौर पर सेलेक्ट नहीं हमने की उनको हम अल्टरनेट की कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और बे फॉर्म नंबर, ये तीनों प्राइमरी की बन सकती थी, इसलिए हमने इनको पहले प्राइमरी सॉरी कैंडिडेट की कहा। इनमें से एक को हमने एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी जो रह जाएंगी वो अल्टरनेट कीज होंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी फॉरेन की। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन हुज वैल्यू मस्ट मैच प्राइमरी की इन अनदर रिलेशन। द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज नोन एज डिपेंडेंट रिलेशन एंड और चाइल्ड रिलेशन।
अच्छा स्टूडेंट्स, फॉरेन की जो है ये दो टेबल्स के दरमियान में होती है। एक टेबल को हम पेरेंट टेबल कहेंगे और दूसरे को हम चाइल्ड टेबल कहेंगे, ठीक है, चाइल्ड रिलेशन कहेंगे या डिपेंडेंट रिलेशन भी कह सकते हैं। अब देखें, पहले इसकी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे। एग्जाम्पल ये है कि देखें, जितने स्टूडेंट्स ने कॉलेज में एडमिशन लिया है वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन फाइल के अंदर उनका नेम, रोल नंबर वगैरह सारा उनका डाटा मौजूद है। अब जो लाइब्रेरी वालों ने अपना एक टेबल बनाया हुआ है, जो स्टूडेंट वहाँ जाके लेगा, बुक वगैरह इशू करवाएगा, वो वही स्टूडेंट हो सकते हैं जो जिनका एडमिशन हुआ है। कोई बाहर से आके नहीं वहाँ पे ले सकता, उसका नाम भी होना चाहिए, उसका रोल नंबर भी होना चाहिए, उसके बाकी चीज़ें भी हमारे कॉलेज में मौजूद होनी चाहिए। समझ आ रही है? यानी कि हम कह रहे हैं कि लाइब्रेरी का जो टेबल है, जो लाइब्रेरी वालों ने अपने रजिस्टर में टेबल लिखा हुआ है, वो उससे मैच करना चाहिए जो एडमिशन वालों ने अपने टेबल बनाया हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि एडमिशन एक बच्चा जो है वो एडमिशन वालों के पास उसका नाम ही नहीं है, वो कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हुआ उसका, लेकिन उसने बुक इशू करवाई हुई है, यानी लाइब्रेरी में है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या लाइब्रेरी वालों ने जो अपना रजिस्टर बनाया है और जो एडमिशन वालों ने अपना रजिस्टर बनाया है, इन दोनों के दरमियान में जो की यूज़ की जाएगी रिलेशन के लिए, उसको फॉरेन की कहेंगे। जो उसका है क्या नाम है, एडमिशन वालों का जो टेबल होगा उसके अंदर प्राइमरी की होगी, वो रोल नंबर एक ही हो सकते हैं सारे, और जो लाइब्रेरी का टेबल है उसमें डुप्लीकेट हो सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा रोल नंबर वन है, उसने एक बुक इशू करवाई, उसने एक हफ्ते बाद दूसरी बुक इशू करवाई, तो उसमें फिर रोल नंबर वन आएगा। समझ आ रही है? तो इसके अंदर हो सकता है, जैसे नीचे एग्जाम्पल देखें, नीचे आपको टेबल नजर आ रहा है जी, ये टेबल देखें, ये पहला जो है पेरेंट टेबल है, समझे, ये इन तीन बच्चों का एडमिशन हुआ है हमारे कॉलेज में, अली, अहमद और नदीम। दूसरा टेबल आप देखें, जिसको हम चाइल्ड टेबल कह रहे हैं, तो ये टेस्ट के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, रिजल्ट समझे। अब देखें, टेस्ट वाले टेबल में जो रोल नंबर है वो रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स है ना, हर बच्चे का डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये वन, टू और थ्री ही हो सकते हैं, फोर रोल नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं होगा टेस्ट में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एडमिशन वालों के पास नहीं है, फोर रोल नंबर का तो हमारे पास एडमिशन ही नहीं हुआ, तो वो कैसे लाइब्रेरी वाले टेबल में आ सकते हैं। तो ये हम इसको जो कंपोज, जो दूसरी साइड पे है ना, चाइल्ड रिलेशन, उसके अंदर हम फॉरेन की कहेंगे, और वो जो फॉरेन की है वो पहले टेबल की प्राइमरी की के साथ, यानी यहाँ के जो रोल नंबर है उनके रोल नंबर से मैच करने चाहिए, डुप्लीकेट हो सकते हैं लेकिन मैच वही होने चाहिए, यहाँ पे उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, उसके अंदर ज़्यादा आ सकता है, जब एडमिशन हो एक और बच्चे का हो गया तो उसके अंदर ज़्यादा आ सकता है, लेकिन वही बच्चा यहाँ पे लाइब्रेरी में आ सकता है या फिर टेस्ट सिस्टम में आ सकता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस वीडियो को कमेंट कर लें या फिर मुझे व्हाट्सएप में पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।